नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। हमारे YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो दोस्तों आने वाले जेएसएससी सीजीएल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए दोस्तों सारे हमारे ही मटेरियल से रहेंगे। तो दोस्तों, आज जो दोस्तों मैं सेट लाया हूँ ये 5 है। अगर आप 1, 2, 3, 4 नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो ये हर सेट में दोस्तों हमारे 25 प्रश्न सेट की गई है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, पहला जो प्रश्न है आप देख सकते हैं, झारखंड के किन दो महिला हॉकी खिलाड़ियों का चयन भारत टीम में हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ए। मैं आपको सिर्फ आंसर बताऊंगा, सभी ऑप्शन को मैं नहीं पढ़ूंगा, तो आपको बस आंसर याद रखना है। इसका जो आंसर हो जाएगा एक का ए, सलीमा टेटे और निक्की प्रधान, ये दो हॉकी खिलाड़ियों का चयन भारत टीम में हुआ है। प्रश्न संख्या दो, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, झारखंड सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए स्कूली विद्यार्थियों के लिए कौन सी योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर बोलूंगा दोस्तों, मैं आपको सभी ऑप्शन को मैं नहीं पढ़ूंगा। इसका जो आंसर हो जाएगा डी, इसका जो आंसर हो जाएगा मैं आपको बता दूं डी, ए और बी। तो ए और बी में क्या, चलिए पढ़ते हैं, मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना, विद्यालक्ष्मी उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों। तो आप प्रश्न संख्या तीन देख सकते हैं, प्रश्न संख्या तीन, झारखंड स्टेट गेम्स 2019 का शुभंकर क्या था। इसका जो आंसर मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ए, बुच्चू। तीन का करेक्ट आंसर ए, बुच्चू। प्रश्न संख्या चार, प्रश्न संख्या आप चार देख सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, झारखंड के किस शहर को ODF प्लस सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो आंसर हो जाएगा रांची। चार का करेक्ट आंसर ए, रांची। प्रश्न संख्या पाँच, आप स्क्रीन में देख सकते हैं, प्रश्न संख्या पाँच, मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 2 जून 2019 को किस स्थान से झारखंड में ग्रामीण स्ट्रीट लाइट योजना LED की योजना शुरुआत की है। तो इसका जो हो जाएगा आंसर दोस्तों, पाँच का करेक्ट आंसर ए, ढाका, जो कि शिकारीपाड़ा थाना में है। शिकारीपाड़ा एक थाना है, मैं आपको बता दूं, शिकारीपाड़ा एक थाना है जो दुमका जिले में आता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिकारीपाड़ा दुमका, पाँच का करेक्ट आंसर ए। प्रश्न संख्या छः, झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 1 मार्च 2019 को निम्न में से कहाँ कौशल कॉलेज खोलने का उद्घाटन किया। तो आपको इसका तो आंसर पता ही होगा, रांची। रांची में अधिकतर जो भी है उद्घाटन जो है दोस्तों, रांची में अधिकतर होता है। तो आपको इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रांची। प्रश्न संख्या सात, प्रश्न संख्या सात, आप देख सकते हैं, निम्न में से कहाँ सरकारी भवनों एवं रेलवे स्टेशनों पर ओलचिकी लिपि की सूचनाएँ अंकित होगी। तो आपको पता होगा कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सात का डी, संथाल परगना। ओलची की जो लिपि है यह संथालों की लिपि है, ओलची की। मैं आपको बता दूं तो आपको इसका जो आंसर हो जाएगा संथाल परगना। प्रश्न संख्या आठ, जनवरी 2019 में मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत कुंभ स्थान करने हेतु कितने लोगों को भेजा गया। जो आठ का करेक्ट आंसर हो जाएगा, आठ का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 800। इसका आठ का करेक्ट आंसर सी। प्रश्न संख्या नौ, रांची स्थित बड़ा तालाब जिसका नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद सरोवर कर दिया गया है, तो विवेकानंद की कितनी फीट की ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 33 फीट, ये रांची में है, रांची में। अगला प्रश्न, जनवरी 2019 में रांची में आयोजित ग्लोबल स्किल समिट 2019 में झारखंड सरकार द्वारा कितने युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा डी, 1 लाख, जो कि प्राइवेट है, ये सरकारी नहीं है दोस्तों। 12 का करेक्ट आंसर
10 का करेक्ट आंसर डी। प्रश्न संख्या 11, प्रधानमंत्री जन आयोग आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना के तहत झारखंड के लोगों को उचित खर्च पर बेहतर चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्न में से किस कंपनी के साथ MOU साइन किया गया है। 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। तो 11 का करेक्ट आंसर ए। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, निम्न में से कहाँ मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी। तो जो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये चाईबासा में भी किया गया है, कोडरमा में भी किया गया, पलामू, हजारीबाग और दुमका, 5 जगह मेडिकल खोलने की प्रस्तावना थी जो स्थापना हो चुकी है। प्रश्न संख्या 13, झारखंड सरकार द्वारा टाटा के ट्रस्ट के सहयोग से झारखंड में किस स्थान पर कैंसर अस्पताल खोलने की बात चल रही है या खुलने वाली है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, सुकुरहुट्टू, जो कि रांची में है। तो 13 का करेक्ट आंसर ए। प्रश्न संख्या 15, प्रश्न संख्या 14, झारखंड का प्रथम ई वेस्ट मैनेजर सेंटर कहाँ खोला गया है। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, जमशेदपुर। प्रश्न संख्या 15, झारखंड में ITI की संख्या कितनी है। तो 15 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 10, ITI की संख्या कुल 10 है झारखंड में। अगला प्रश्न, झारखंड में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज की संख्या कितनी है। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, 43। जो झारखंड में जो राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज है वह कुल 43 है, आपको बस नंबरिंग स्टार्ट याद रखना है। अगला प्रश्न, झारखंड का नया विधानसभा भवन और उच्च न्यायालय का निर्माण निम्न में से किस स्थान पर किया जा रहा है। तो 17 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हटिया रांची, 17 का करेक्ट आंसर बी, रांची। प्रश्न संख्या 18, झारखंड के किस स्थान पर स्मार्ट सिटी का निर्माण किया जा रहा है। तो स्मार्ट सिटी का निर्माण मैं आपको बता दूं, धुरुआ रांची में किया जा रहा है, धुरुआ। तो इसमें तीनों में रांची ऑप्शन है, तो आपको रांची नहीं देखना है, आपको जगह का भी नाम याद रखना है। तो धुरुआ जो है ये रांची में है। प्रश्न संख्या 19, झारखंड में कुल कितने नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं। तो मैं अगले प्रश्न में बता चुका हूँ, इसका जो आंसर हो जाएगा 5, 19 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5। प्रश्न संख्या 20, झारखंड में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। इसका जो आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर 10, 20 का करेक्ट आंसर डी। जो गोड्डा में भी हाल ही में कृषि विश्वविद्यालय खुली है। प्रश्न संख्या 21, झारखंड सरकार द्वारा अब कितने किसानों के दल को इजराइल दौर पर भेजा गया। तो 21 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 किसान को इजराइल भेजा गया था। बस आपको यह याद रखना कि 100 किसान को इजराइल भेजा गया था। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 22, झारखंड सरकार द्वारा अब कितने किसानों के दल को, ये तो हो चुका है दोस्तों, अगला प्रश्न, किसानों के फसल बीमा प्रीमियम भरने वाला भारत का इकलौता राज्य। तो 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, हमारा झारखंड। प्रश्न संख्या 23, ई मार्केट से जुड़ने और कृषि की आधुनिक तकनीक सीखने के लिए झारखंड के कितने किसानों के बीच मोबाइल फ़ोन की निःशुल्क वितरण किया जाना है। तो आपको इसका भी आंसर पता होगा, 28 लाख, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 28 लाख। 23 का करेक्ट आंसर ए, 28 लाख। प्रश्न संख्या 24, झारखंड पुलिस में पहाड़िया समुदाय के लिए कितने बटालियन का गठन किया गया है। तो मैं आपको बता दूं, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का करेक्ट आंसर सी, 2। अब अंतिम प्रश्न मैं बता दूं, झारखंड में मानकी को कितने रुपए प्रति माह सम्मान राशि दी जाती है मानकी को। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 3000 रुपया दिया जाता है। मैं ऐसे ही आपको करंट अफेयर के वीडियो प्रोवाइड करूंगा। यदि हमारे वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और इसके पहले 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, उस वीडियो को आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। मैं ऐसे ही आप लोग के लिए वीडियो लाऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।